एटीएच न्यूज, अब सब पर है नजर हमारी। गाड़ियों की संख्या शहर में बढ़ी है, ठीक है। जैसा कि पता है कि हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं, गाड़ी अवैध अभी क्या बोलते हैं बिना हेलमेट का या वाहन चेकिंग, ताकि रोड पे ट्रैफिक रूल का सख्ती से अनुपालन हो सके। उसी आलोक में हम लोग पूरी टीम जो बिना हेलमेट के या बिना रजिस्ट्रेशन के उनसे फाइन किया जा रहा है, साथ ही ट्रैफिक रेगुलेशन हम लोग करा रहे हैं ताकि शहर को जाम से मुक्त हो जाए। धीरे धीरे नियम आने वाले समय जो समस्याएं या कठिनाई आ रहे हैं उसको देख के आगे वाला समय में कैसे संशोधन किया जा सकता है। भाई मिन टाइम एक रोड चौड़ा करण का काम भी पूरा कार्यकरण का काम हो रहा है, उससे भी रोड चौड़ा हो रहे हैं, आने वाले समय में धीरे धीरे कम होते चला जाएगा। थैंक यू सर। अभी जो रोड यहाँ पे चौड़ीकरण सर हो रहा है और अभी देखा जा रहा है कि सर बहुत सी गाड़ी अभी कहीं पार्किंग आदमी कर देते हैं, कोई स्कॉर्पियो भी मैं आ रहा था तो सीओ साहब और वहाँ पे अनाउंस कर रहे थे कि अभी गाड़ी यहाँ से हटा दी तो जुर्माना किया जाएगा, तो सर क्या यहाँ पे आप लोगों के प्रति कोई जुर्माना राशि भी वसूला जा रहा है? जुर्माना राशि के लिए पूरा फैक्ट डीटीओ अभी परिवहन कार्यालय से लगा हुआ है, रोड सुरक्षा में कितना फाइन होगा। हम लोग जब रोड चौड़ीकरण हो जाएगा तो हम लोग वेंडिंग जोन नो पार्किंग एरिया में डिफाइन कर देंगे, उनके अंदर जो भी गाड़ी लगाएंगे वो फाइन करेंगे। जैसा कि निर्णय है कि मुख्य चौराहा के 100 मीटर के परिधि में कोई गाड़ी ना लगे उसका हम लोग सत्य स्थल पालन करने का प्रयास करते हैं। सहयोग भी चाहिए और लोगों से अपील भी है कि जब तक रोड चौड़ा करें नहीं हो जाए लोग का हो जाए सर करके भी अभी कंटिन्यू चलेगा ये, और हम लोग ट्रैफिक रेगुलेशन को बहुत हद तक सख्ती से अनुपालन करा लेंगे। सर अभी तक सर कोई गाड़ी के सर आपने फाइन किया है? सर अभी 5 गाड़ियाँ जब्त की गई हैं, 3 को फाइन करके छोड़ा गया है। और सर अभी सर प्रक्रिया तो आप सर लोग के साथ में करेंगे या सर अकेले करते रहेंगे? दोनों तरह से होते रहता है, हम तो 9 बजे से कर रहे हैं।